So, आप देखिए अधिकृत पूंजी क्या होती है, वह अधिकतम मात्रा है जो कि कंपनी क्या कर सकती है, एक तरीके से अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है, या फिर आप यह भी बोल सकते हैं कि अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जो कि कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम में क्या करती है, दिखाती है, उल्लेखित करती है, या फिर इसको इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूं तो यह बोल सकता हूं कि ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल विच कंपनी कैन इश्यू इन एंटायर लाइफ, या आप ये भी बोल सकते हैं कि द ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विच इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आइए चौथे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके साझेदारी से अवकाश ग्रहण करने से संबंधित है। देखिए सौरभ, शिरीन और सोमेश एक फर्म में साझेदार हैं जो तथा 3:2:1 3:2:1 में क्या करते हैं, लाभानी बांटते हैं। सोमेश ने अवकाश ग्रहण कर लिया, किसने अवकाश ग्रहण किया, सोमेश ने, तीसरे साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया, और सौरभ और शिरीन के मध्य नया लाभ अनुपात क्या है, 3:2 है। सौरभ और शिरीन के मध्य अधिलाभ अनुपात होगा, अधिलाभ अनुपात का मतलब होता है गेनिंग रेशो, यानी आपको गेनिंग रेशो निकालना है, क्योंकि यदि एक पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो जो बाकी बचे साझेदार है उनका लाभ हमें, उनका लाभ जन हम सामान्यतः क्या होता है, बढ़ता है, यानी उनको लाभ होता है, इसलिए इसको गेनिंग रेशो बोलते हैं, अधिलाभ अनुपात बोलते हैं। तो यहां देखिए सबसे पहले तीन साझेदार थे, सौरभ, शिरीन और सोमेश। सौरभ, शिरीन और सोमेश जो था वो 3:2:1, इसमें से सोमेश क्या हो रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायर्ड हो रहा है, और जो सौरभ और शिरीन है इनका नया अनुपात जो है वो 3:2 है। अब यहां देखिए पुराना भी 3:2 है, नया भी 3:2 है, तो यहां पर ऐसी सूरत में आप ये सोच रहे होंगे कि यहां तो इनको कुछ लाभ हुआ ही नहीं, पहले भी 3:2 मिलता था, आज भी इनको नए बाद में भी 3:2 मिल रहा है, लेकिन पहले जो था वो लाभ 6 हिस्सों में बांटा जाता था, उसमें से तीसरा हिस्सा सौरभ का था, दूसरा हिस्सा शिरीन का था, और एक हिस्सा जो था वो सोमेश को जाता था, लेकिन अब जो नया लाभ हानि अनुपात है इसके अनुसार लाभ कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, 5 हिस्सों में, क्योंकि 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 में से तीसरा हिस्सा सौरभ का, दूसरा हिस्सा किसका है, एक तरीके से शिरीन का, तो यहां इनको पहले 6 हिस्सों में बांटते थे, आज 5 हिस्सों में बांटेंगे तो इनका लाभ क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन यहां पर चूंकि पुराना और नया अनुपात समान है, सेम है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहां जो अधिलाभ अनुपात होगा वो भी समान होगा, समान का मतलब 3:2 होगा, इसका उत्तर ए सही है, लेकिन आपके मन में हो सकता है संशय हो कि क्या ये सही है, तो आइए इसको हल कर लेते हैं। हम कैसे हल करेंगे, आपको अधिलाभ अनुपात निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है, अधिलाभ जो अनुपात होगा, गेनिंग रेशियो जो होगा उसका सूत्र क्या है जो आप जानते हो, नया अनुपात में से किसको घटाना है, पुराना अनुपात को आपको घटा देना है, नए में से पुराना अनुपात, न्यू माइनस ओल्ड। तो सबसे पहले सौरभ की बात करते हैं, सौरभ जो है उसका नया अनुपात कितना है, 3:5, क्योंकि 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं, पुराना अनुपात कितना है, 3:6, क्योंकि उनको 6 में से तीसरा हिस्सा मिलता था, यदि आप इसका लघुत्तम लेंगे तो वो आएगा 30, एलसीएम जो होगा वो 30 होगा, तो ये 6 दिया 18 और ये 5 दिया 15, यानी इसका जो अनुपात आएगा वो 3:30 आएगा। यदि मैं बात करूं शिरीन की, शिरीन का पुराना अनुपात था, सॉरी नया अनुपात था 2:5, नया माइनस पुराना करना है, और पुराना अनुपात जो था वो 2:6 था, यदि इसका लघुत्तम लूंगा तो 30 आएगा, 6 × 12 और 5 × 10, अब लघुत्तम लेना आप जानते ही हो उसको कैसे हल करते हैं, तो ये जो गणना होगी वो 2:30 आएगी। तो आप देखिए दोनों का हर समान है, यानी जो अधिलाभ अनुपात होगा वो 3:2 होगा, आपके सामने देख लीजिए, यदि नया और पुराना अनुपात समान है तो अधिलाभ अनुपात, गेनिंग रेशियो भी हमेशा क्या होगा, समान होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
इसी प्रश्न को यदि आप इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देखिए, तीनों साझेदार हैं, उन तीनों का आपके बारे में बोला हुआ है और इसका उत्तर जो है वो 3:2 है, वही प्रश्न है, खाली आपको किस में दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है। तो आप अगर इंग्लिश समझना चाहें तो यहां देख लीजिए इस इंग्लिश के प्रश्न को और उसमें आपका उत्तर जो है वो 3:2 ही, 3:2 ही रहेगा। आइए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न वापस साझेदारी से संबंधित है। ये देखिए, मोहित तथा रोहित एक फर्म में साझेदार थे तथा उनकी पूंजी क्रमशः 80,000 और 40,000 थी। कितनी थी? 80,000 और 40,000, दो साझेदारों की पूंजी दे रखी। वर्ष में फर्म ने 30,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। कितना लाभ अर्जित किया? 30,000 रुपए कमाए। लाभ में मोहित का भाग होगा, मोहित का हिस्सा कितना होगा? आपने पढ़ाई है, यदि साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड ना हो, यहां नहीं लिखा हुआ साझेदारों में क्या लाभ हानि किस तरीके से बांटा जाएगा, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इस अगर सूचना नहीं दी जाए तो हम क्या करते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि साझेदारी संलेख इनके बीच में नहीं है, तो सूचना भाव में हम लाभों का बराबर बराबर दोनों साझेदारों में क्या करेंगे, दो है तो दो में बराबर बांटेंगे, तीन है तो तीनों में बराबर बांटेंगे, यहां तो दो ही है, तो मोहित का भाग कितना होगा? 30,000 कुल लाभ आया, दोनों में बराबर बराबर बांट दीजिए यानी दो से भाग दे दीजिए, यानी आपका मोहित और रोहित दोनों का जो लाभ होगा वो कितना होगा? 15,000 रुपए होगा। तो यहां मोहित का पूछा है तो मोहित का लाभ भी कितना होगा? 15,000 होगा, यानी सी विकल्प जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प आपका सही है कि जो लाभ दोनों का होगा वो 15,000 बराबर बराबर बांटा जाता है। इसी प्रश्न को इंग्लिश में देख लीजिए कि मोहित और रोहित वर पार्टनर्स इन द फर्म, कैपिटल्स 18,40,000 गिवन टू यू, द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, सो व्हाट इज द मोहित्स प्रॉफिट शेयर विल बी, कि व्हाट इज द मोहित्स प्रॉफिट शेयर, मोहित का प्रॉफिट शेयर जो होगा वो 15,000 होगा क्योंकि दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आइए अब छठे प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न एक तरीके से आपको रिक्त स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों तथा देयताओं, देयता है मतलब दायित्व, संपत्ति मतलब असेट्स का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन को बोलते हैं रिवेल्युएशन, पर लाभ अथवा हानि का बंटवारा, रिक्त स्थान दिया हुआ है, साझेदारों, कौन से साझेदारों के बीच में होगा? सभी साझेदारों के बीच में, क्या नए साझेदार में, पुराने में, के मध्य रिक्त स्थान अनुपात में किया जाएगा। कौन से अनुपात में किया जाएगा? पुराने में किया जाएगा, नए में किया जाएगा, त्याग के अनुपात में होगा, अधिलाभ के अनुपात में होगा, ये आपसे पूछा गया है। इंग्लिश में भी यदि आप देखेंगे, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवेल्यूशन ऑफ असेट्स आर एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग --- पार्टनर्स इन --- रेशियो। चूंकि आप जानते हो हमेशा पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ या हानि होगी वो हमेशा पुराने साझेदारों में बांटा जाएगा और पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटा जाएगा, पुराने अनुपात में, तो दोनों जगह पुराना पुराना आएगा क्योंकि पुराने जो साझेदार होंगे, मतलब अवकाश ग्रहण से पहले के जो साझेदार होंगे जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार भी शामिल होगा और उसके लाभ हानि अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में हम क्या करेंगे, एक तरीके से लाभ हानि को बांटेंगे। यदि इंग्लिश में बात करें, टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने अनुपात में और पुराने साझेदारों में ही बांटा जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न आपके अंशों से संबंधित है। वन्या लिमिटेड 100 रुपए प्रत्येक के 20,000 समता अंशों का 40 रुपए प्रत्येक की प्रथम तथा अंतिम माह का भुगतान करने पर हरण कर लिया गया। वन्या लिमिटेड ने क्या किया, जो 20,000 समता अंश थे वो 100 रुपए का था, उस पे 40 रुपए क्या किए गए, प्रथम 40 रुपए की प्रथम तथा अंतिम मांग मांगी गई लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया, तो कंपनी ने अंशों का क्या कर लिया, हरण कर लिया। अधिकतम बट्टा जिस पर इन अंशों को पुनः निर्गमित किया जा सकता है होगा, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। वन्या लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹40 पर शेयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच द शेयर्स कैन बी रीइश्यूड विल बी।
तो आपको बताना है अधिकतम बट्टा कितना होता है, क्योंकि आपने अंश निर्गमन हरण व पुनर्निर्गमन में पढ़ा होगा बट्टा जो होता है डिस्काउंट जिसकी आप बात करें वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है जितना अंशधारी ने क्या कर दिया है भुगतान कर दिया है, जितनी राशि आपको क्या हो चुकी है उन अंशों पर प्राप्त हो गई है, प्राप्त राशि जितनी है उतना ही आप अधिकतम बट्टा दे सकते हो, क्योंकि जो प्राप्त राशि होगी वही आपने कहां पर डाली होगी, एक तरीके से शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अंश हरण खाते में डाली होगी, तो जितने राशि प्राप्त की है उसी को आपने कहां डाला है अंश हरण खाते यानी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डाला होगा, तो यहां शेयर जिसको आप बोलते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अंशरण खाते में जितनी राशि प्राप्त हुई उतना अंशरण खाते में डाला और उतना ही अधिकतम बट्टा दिया जा सकता है। देखो अंश 100 रुपए का था जिसमें 40 रुपए बाकी थे, 100 में से 40 रुपए का भुगतान नहीं हुआ यानी 60 रुपए का तो क्या हो चुका है भुगतान हो चुका है, 60 रुपए का क्या हो चुका है आपका भुगतान हो चुका है, तो यानी 60 रुपए आपको मिल चुके हैं। देखो 100 रुपए का अंश था 40 रुपए नहीं मिले क्योंकि 40 रुपए का भुगतान नहीं किया था, बाकी 60 रुपए तो आपको कंपनी को क्या हो चुके हैं मिल चुके हैं, तो जितने प्राप्त किए गए वही आपने अंश हरण खाते में डाले और उतना ही आप बट्टा दे सकते हो। एक अंश पे 60 रुपए तो बचे आपके कुल अंश कितने थे 20,000 इंटू 60 जब आप करोगे तो 6 × 2 = 12 और 4 × 1 = 5 0 5 यानी 12 लाख रुपए आप क्या कर सकते हो अधिकतम बट्टा दे सकते हो। तो जो आपका बी विकल्प है दूसरा जो बी आपका है 12 लाख रुपए वो सही होगा क्योंकि जितना पैसा कंपनी को मिलता है कंपनी उतना ही क्या दे सकती है अधिकतम बट्टा दे सकती है, तो यहां मिला कंपनी को 12 लाख रुपए, 12 लाख कंपनी ने अंशरण खाते में डाले और उतना ही अधिकतम बट्टा दिया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, 8वें प्रश्न के ऊपर। ये भी रिक्त स्थान है का अर्थ है एक कंपनी द्वारा एक विशिष्ट समूह के व्यक्तियों को पब्लिक ऑफर के तरीके के अतिरिक्त प्रतिभूतियों का प्रस्ताव, यानी आप जो अंश निर्गमित कर रहे हैं वो विशिष्ट समूह के व्यक्तियों को कर रहे हैं, मींस एनी ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज टू द सेलेक्टेड ग्रुप टू द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ द पर्सन बाय द कंपनी अदर देन बाय द वे ऑफ पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर के नहीं करके क्या करना है यहां पर एक कंपनी द्वारा वित्तीय विशिष्ट समूह के व्यक्तियों को पब्लिक ऑफर के तरीके के अतिरिक्त, उस अतिरिक्त का मतलब जनता को निर्गमित ना करते हुए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को ही कंपनी क्या कर रही है अंशों का निर्गमित कर रही है निर्गमन कर रही है, इसको इंग्लिश में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको निजी तौर पर अंश आवंटन। जो भी निजी तौर पर किया गया उसको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, क्योंकि विशिष्ट व्यक्तियों को दे रहे हो तो ये निजी तौर पर दिया जाता है, तो निजी तौर पर जो भी अंश आवंटन का अर्थ है कि एक विशिष्ट विशिष्ट समूह के व्यक्तियों को आप क्या कर रहे हो अंश निर्गमित कर रहे हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो 9वां प्रश्न है। शाही लिमिटेड ने 100 रुपए के प्रत्येक के 11% 8000 ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर शोधन करने का निर्णय लिया। ऋण पत्र शोधन संचय में स्थानांतरित की जाने वाली न्यूनतम राशि होगी, कितनी राशि आपको ऋण पत्र शोधन संचय यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हस्तांतरित करनी होगी जिसको DRR के नाम से बोला जाता है। देखो DRR में हम ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के बराबर राशि जो होती है, अंकित मूल्य को फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो इंग्लिश में अंकित मूल्य बोला जाता है, अंकित मूल्य के बराबर राशि जो होती है वो आप कहां पर हस्तांतरित करते हैं, कहां पर स्थानांतरित करते हैं, एक तरीके से DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी आपका ऋण पत्र शोधन संचय में हस्तांतरित करते हैं। तो यहां पर आपका ऋण पत्र कितने हैं 8000 है, उनका अंकित मूल्य कितना है 100 रुपए प्रत्येक है,
आप ये मत ध्यान रखिए 10% प्रीमियम पर, क्योंकि प्रीमियम जो होता है उसकी राशि कभी भी डीआरआर में नहीं डाली जाती, खाली अंकित मूल्य के बराबर राशि डीआरआर में डाली जाती है। तो यदि मैं इसकी गणना करूंगा तो इसका मूल्य कितना आया, 8 लाख रुपए, यानी 8 लाख रुपए की राशि को मुझे कहां डालना होगा, डीआरआर में डालना होगा। इसका उत्तर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसी प्रश्न को इंग्लिश में देख लीजिए। शाही लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 8,011% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो द मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 8,000 × 100, 8 लाख रुपीज आपका उत्तर होगा। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसका परिणाम फर्म के पुनर्गठन में नहीं होता है। पुनर्गठन का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा परिणाम रिकॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आता है? सबसे पहला साझेदारी फर्म का विघटन, दूसरा साझेदारी का विघटन। आप इन दोनों में अगर आप सोचोगे क्या अंतर है, देखो साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब होता है कि फर्म बंद हो रही है, साझेदारी का विघटन का मतलब होता है आपका साझेदारी संलेख में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, फर्म चलेगी, व्यवसाय जारी रहेगा, खाली आपका जो एग्रीमेंट है, आपका जो अनुबंध है, आपका जो साझेदारी संलेख है वो बदल जाएगा। वर्तमान सदस्यों के वर्तमान साझेदारों या सदस्यों के लाभ अनुपात में बदलाव, जो साझेदारी का विघटन बोला जाता है, और साझेदार का देहांत यानी डेथ होना। इनमें अगर मैं देखूं तो ए ऑप्शन एक ऐसा है, ए विकल्प एक ऐसा है जिसमें साझेदारी फर्म का यदि विघटन कर दिया जाए तो साझेदारी फर्म बंद हो जाएगी, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, उसको तो हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय ही क्या हो गया है, बंद हो गया है। तो ए विकल्प आपका सही है कि उसमें साझेदारी फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। इसी को इंग्लिश में देखेंगे आप, फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज द आंसर, बिकॉज डिसोल्यूशन के पार्टनरशिप फर्म के केस में व्यवसाय ही बंद हो जाता है। आगे चलेंगे हम 11वें प्रश्न के ऊपर। देखिए जयपुर क्लब के पास 6 लाख रुपए का क्या है, पुरस्कार कोष है। पुरस्कार कोष को बोलते हैं प्राइज फंड, प्राइज फंड। इसने पुरस्कारों पर 5,20,000 रुपए व्यय किए, तो व्ययों को कहां दिखाया जाएगा? चूंकि आप जानते हो यदि आपके पास कोई विशिष्ट प्रकार का कोष पड़ा है तो उसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, इसको आपको पता ही होगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, और ये दायित्व पक्ष में दिखाएंगे तो इससे संबंधित जो भी खर्चा होगा वो भी उस कोष में से ही घटाया जाएगा। आपके पास कोष कितना पड़ा है, 6 लाख, खर्चा कितना किया, 5,20,000, तो भी 80,000 का कोष आपके पास पड़ा है, इसका मतलब ये खर्चा उसी कोष में से घटाया जाएगा। तो आप इन चारों विकल्पों में से उस विकल्प को ढूंढिए। ये देखिए डी जो है वो आपके सामने, स्थिति विवरण। स्थिति विवरण का मतलब होता है चिट्ठा तुलन पत्र के देयता पक्ष, दायित्व पक्ष में पुरस्कार कोष में से घटाया जाना चाहिए, क्योंकि व्यय जो होंगे वो उसी कोष में से क्या कर दिए जाएंगे, घटाए जाएंगे, और वो जो कोष है वो लायबिलिटी साइड यानी दायित्व पक्ष बोले या देयता पक्ष बोले उसमें दिखाया जाता है। आइए इसी को इंग्लिश में आप देखेंगे तो वही बात बोली गई है, डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आप कोई खर्चा करते हो तो वो उसी फंड में से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। 12वां प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान है, डैश 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 जो रिक्त स्थान आपको दे रखा है, के द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों के लिए ऋण पत्र शोधन कोष, जिसको आप बोलते हो डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ऋण पत्र शोधन संचय बोलिए, ऋण पत्र शोधन कोष बोलिए, दोनों एक ही बात है, कि आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप इसके प्रावधान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है, पंजीकृत कंपनी है, बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनियां हैं, उनको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं होता है। तो आप उत्पादन कंपनियां, आधारभूत ढांचा कंपनियां, आप व्यापारिक कंपनी, और सी जो है बैंकिंग कंपनी, किसी भी बैंकिंग कंपनी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप डीआरआर के प्रावधान पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा बैंकिंग कंपनी को क्या नहीं बनाना होता, डीआरआर नहीं बनाना होता। इसी को अगर इंग्लिश में देखेंगे कि नो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज रिक्वायर्ड इन द बैंकिंग कंपनीज ओनली।